अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं स्टूडेंट्स? ठीक है। आज की वीडियो थोड़ा सा मैंने व्लॉग का वीडियो बनाने का सोचा है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और इस वीडियो में थोड़ा सा अपना सेटअप आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह से मैं वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ, कौन कौन से मेथड्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं मेरे पास रिकॉर्डिंग के लिए, तो वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा। तो चलिए जी स्टूडेंट्स, तो थोड़ा सा आप लोगों को बताऊँगा कि किस किस तरह से मैं वीडियोज़ बनाता हूँ। और वैसे व्लॉगिंग एक्सपीरियंस तो नहीं है मुझे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। थोड़ी बहुत आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाता रहूँगा व्लॉगिंग के रिलेटेड। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा आप लोगों को अपना रूम जो है वो दिखाऊंगा कि किस तरह से मैं वीडियोस वगैरह बनाता हूं। तो यहाँ पे स्टैंड वगैरह भी आप लोगों को दिखाऊंगा और कौन कौन सी चीज़ें मैं यूज़ कर रहा हूं वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चलें जी, आप लोगों को रूम का थोड़ा सा बता देता हूँ मैंने कौन कौन से जो है। अभी अगर आप लोग सामने देखो तो सबसे पहले तो स्क्रीन के ऊपर मैंने 5x3 का मिरर जो है वो लगाया हुआ है। वो इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि यहाँ पे जब मैं वाइट बोर्ड के ऊपर काम करता हूँ तो कैमरा क्योंकि सामने होता है तो मुझे जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहा होता है मोबाइल का फ्रेम वगैरह, और उस फ्रेम से सेटिंग करके मतलब जो है वो बराबर वीडियो मेरी बनती है। तो सबसे पहले तो ये वाला जो मिरर है ये मैंने यहाँ पर 5x3 है, यानी कि 5 फीट इसकी लंबाई है और 3 फीट इसकी चौड़ाई है, तो ये मैंने लगाया हुआ है। उसके बाद बैक साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा वाइट बोर्ड, तो ये इसके बिल्कुल अपोजिट जो है मैंने वाइट बोर्ड जो है वो लगाया हुआ है। और यहाँ से मैं अपनी जो भी मैथ की वीडियोस होती हैं, जो भी वीडियोस मैं रिकॉर्ड करता हूँ यहाँ से वो बनती हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने दो जो है वो डोर्स लगाई हुई हैं, और इसमें एक जो है वो लोहे वाला है और एक लकड़ी वाला है। तो ये दो डोर्स लगाने का मकसद ये था, पहले ये लोहे वाला लगा हुआ था और क्योंकि यहाँ से बाहर से आवाज़ें आती हैं, बाहर से कुछ भी अगर आवाज़ हो रही है तो वो अंदर वीडियो में इंटरप्शन होती है, तो फिर मैंने बाहर वाली जो कार्ड पे जो है वो ये लकड़ी वाला दरवाज़ा जो है वो लगा दिया। तो यहाँ पे ये हुआ कि चलें थोड़ा सा वॉइस का कंट्रोल हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपको नज़र आए तो ये आप लोगों को ग्रीन स्क्रीन नज़र आ रहा होगा, तो ये पर्दे के पीछे जो मैंने रखा हुआ है। यहाँ पर अगर ग्रीन स्क्रीन, अगर मैंने बैकग्राउंड अपना चेंज करना हो तो मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ, यहाँ पे मैं बैकग्राउंड इसको रख के जो है वो वीडियोज़ बना लेता हूँ, तो यहाँ से फिर मेरा ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट पड़ जाता है और ये सारा ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट्स के साथ जो है मैं कर लेता हूँ। उसके बाद व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड मैंने रखा हुआ है, ठीक है। तो ये शीट जो आपको मिल जाती है, ये शीट टाइप जो होती है व्हाइट बोर्ड, तो ये मैंने यहाँ पे अटैच किया हुआ है। ये वैसे मेरा व्हाइट बोर्ड जो है वो कमरों में इधर उधर फिरता रहता है, जब भी कहीं शिफ्ट होना हो तो इधर उधर मैं करता रहता हूँ ताकि जहाँ पर भी लाइट का इशू ना हो वहाँ पर मैं घुमाता रहता हूँ इन चीज़ों को। तो ये व्हाइट बोर्ड इस तरह से। उसके बाद अगर मैं आप लोगों को लाइटिंग दिखाऊँ, अपना जितना भी पीसी वगैरह का काम है या वीडियो मैं कैसे बनाता हूँ वो भी इसी वीडियो में शेयर करूँगा। आपको थोड़ा सा लाइट्स का दिखाता हूँ अपना, कि लाइट्स का जो सेटअप मैंने यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रही होंगी दो एलईडी लाइट्स ऊपर मैंने जो है वो छत के ऊपर लगाई हुई हैं, ठीक है। तो ये दो एलईडी लाइट्स का काम ये होता है कि ऊपर से जो शेडो होता है ना, ये लेफ्ट राइट बोर्ड के ऊपर जो पड़ रहा होता है, तो ये इस चीज़ को कंट्रोल करता है। एक जो है वो इस साइड पे मैंने लाइट लगाई हुई है, काफ़ी बड़ा बल्ब जो है वो यहाँ पे लगाया हुआ है, और एक जो है वो इस साइड पे मैंने बल्ब लगाया हुआ है ताकि दोनों साइडों से जो है कंट्रोल हो जाए, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में लगाया हुआ है ताकि जो अक्स है वो बोर्ड के ऊपर बराबर रहे, यानी कि बोर्ड के ऊपर ना पड़े। और एक जो है वो बल्ब पीछे लगाया हुआ है, ठीक है। वो नॉर्मल रूम की यूज़ के लिए होता है, ये लाइटें तब ऑन करता हूँ जब जब भी मुझे वीडियो बनानी होती है, ठीक है। और यहाँ पे मेरा एक पिक्चर लगी हुई है, काफ़ी पुरानी है, जो मैंने यहाँ पे लगाई हुई है, बचपन की पिक्चर है, तो ये यहाँ पे मैंने अटैच की है। और उसके अलावा बाकी आप लोगों को चीज़ें दिखाता हूँ मैं अपनी। यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा एलईडी जो है वो इको स्टार की मैंने रखी हुई है, 32 इंच की ये एलईडी है। उसके बाद एक कंडेंसर माइक है, ये भी आपको चेक करवाता हूँ, ठीक है। और दो मेरे पास जो है वो माइक हेडफोन है, और दोनों गेमिंग हेडफोन है, और इन दोनों को भी चेक कराता हूँ जी मैं। अच्छा, आप लोगों को यहाँ पे दो स्टैंड नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। एक स्टैंड जो मैं यूज़ करता हूँ मोबाइल रखने के लिए, यानी कि बोर्ड के लिए, और नीचे जो स्टैंड पड़ा हुआ है ना, इस स्टैंड का मकसद ये होता है कि मोबाइल ऊपर रख के जो है ना मैं वीडियो बनाता हूँ, नीचे कोई भी पेजेस रख के मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो ये स्टैंड जो है वो इसलिए यूज़। और यहाँ पे आप लोगों को एक टेबल नज़र आएगा, ठीक है। ये टेबल भी मैंने खुद से बनाया हुआ है, ये जो शीट मिलती है ना, ठीक है, इस शीट को मैंने काट के मतलब ये टेबल सारा बनाया हुआ है, ठीक है। चेयर नॉर्मल सी प्लास्टिक की चेयर है, लेकिन गेमिंग टाइप चेयर है। दो मेरे पास गेमिंग हेडफोन्स हैं, एक ये बड़े वाला है और वो थोड़ा सा छोटा है, ये थोड़ा सा रिलैक्स वाला है, यानी कि आपको पुरसकून जो है वो कान दर्द नहीं होता है, तो ये। और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास जो है वो एक कंडेंसर माइक है, स्टूडियो का माइक जो होता है, ठीक है। तो इसको मैं कभी कभार यूज़ करता हूँ, आजकल ज़्यादातर इसको यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि ज़्यादातर ये गेमिंग के लिए यूज़ होता है, या फिर आप अगर क्लोज़ कोई वीडियो यहाँ पे कंप्यूटर के ऊपर बैठ के बनाना चाहते हो तो वो कर सकते हो। उसके बाद ये मैंने आज ही एक माइक्रोफोन जो है वो खुद से एक बनाया, ठीक है। हेड गियर मेरे पास नहीं था तो मैंने ऑर्डर किया था, काफ़ी टाइम के बाद आ रहा था, तो मैंने सोचा इसको ख़ुद से जो है वो बना लेते हैं, तो इसको ख़ुद से एक बना लिया है, तो ये माइक काफ़ी अच्छी तरह से वर्क कर रहा है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा PS3, तो PS3 काफ़ी इन चीज़ों पे खैर मैंने पैसे ज़ाया किए हुए हैं, तो PS3 कभी कभार दिल करता है जी गेम खेलने का, तो PS3 पे गेम भी जो है वो लगा लेते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा PS3 को भी प्ले किया जाता है। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं
मेरे पास एक DSLR कैमरा भी है जो काफ़ी टाइम पहले मैंने लिया था, लेकिन इसको बिल्कुल भी मैं यूज़ नहीं करता और बिल्कुल ऐसे ही पड़ा हुआ है। इस पे भी मैंने बस पैसे समझ लें कि ज़ाया ही किए और इसको यूज़ कोई नहीं करता, ऐसे ही उधर ही पड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं मोबाइल फ़ोन का बताऊँ तो मेरे पास जो मैं यूज़ करता हूँ 3 मोबाइल फ़ोन है। ये मेरा पहला फ़ोन है जो मैंने अपनी जो है वो सैलरी से लिया था, और इस फ़ोन को आप इसकी कंडीशन दे सकते हैं, इसको मैंने 3 से 4 दफ़ा तोड़ा भी है और अब इसकी ये कंडीशन है, लेकिन अब भी ये यूज़ हो जाता है। हुआवे Y7 प्राइम वाला है, और एक ये मोबाइल फ़ोन है जो कि Y9 नहीं है बल्कि ये S9 है, सैमसंग S9 मोबाइल फ़ोन है जिसे वीडियो बना रहा हूँ। ये जो है वो मेरे पास है S7 Edge, और उसके बाद एक और फ़ोन पड़ा हुआ है जो मैं यूज़ तो नहीं करता लेकिन ऐसे ही मेरे पास ये पड़ा हुआ है, तो ये मेरे ख्याल से iPhone जो है वो 6 है। ठीक है, तो ये फ़ोन है। उसके बाद मेरे पास लैपटॉप भी है, ठीक है, HP का लैपटॉप है जो मैं यूज़ नहीं करता क्योंकि काफ़ी स्लो है और इसको मैं कोई ख़ास यूज़ नहीं करता। यहाँ पे थोड़ा सा टूटा हुआ भी है, इसको मैंने सेट किया हुआ है। उसके बाद एक मेरे पास ग्राफिक टैबलेट है, इससे भी मैं लेक्चर्स रिकॉर्ड करता हूँ। अच्छा, इस ग्राफिक टैबलेट का मकसद क्या होता है? इस ग्राफिक टैबलेट का जो मकसद होता है वो ये होता है कि इसके ऊपर जो भी आप लिखते हो ना, इसके साथ पेंसिल होती है, ठीक है, पेंसिल में जो भी लिखते हो वो इसके साथ यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाता है। अब आप लोगों को बताता हूँ, ये बुक्स मेरे पास पड़ी हुई हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की सारे सब्जेक्ट्स की बुक पड़ी हुई हैं। इंशाल्लाह इस पर वीडियोज़ भी बनाऊंगा, ठीक है, तो इसके ऊपर भी काम करूँगा। और यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी सामान नज़र आ रहा होगा, तो ये बालों के लिए मैं चीज़ें मंगवाता रहता हूँ, ऑनलाइन भी या परचेज़ भी करता रहता हूँ, तो ये काफ़ी ऑयल वगैरह या ऐसी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे नज़र आएंगी, तो ये चीज़ें हो गई हैं जी। अब आप लोगों को बताता हूँ कि मैं जो वीडियोज़ बनाता हूँ वो किस तरह से व्हाइट बोर्ड पर बनाता हूँ और उसका इफेक्ट स्क्रीन के ऊपर किस तरह से पड़ता है, तो ये आप लोगों को अभी यहाँ पर नज़र आएगा। और यहाँ पर मैंने फ़ैन भी लगाया हुआ है गर्मियों के लिए, और क्योंकि यहाँ से छत से जो है वो फ़ैन मैंने उतार दिया था, काफ़ी उसकी आवाज़ होती है तो वीडियो में इंटरप्शन होती है, तो ये फ़ैन लगाया हुआ है एक, और ताकि गर्मियों में इसको चला सके। अभी तो ये बिल्कुल जो है वो आराम कर रहा है। ठीक है जी, तो चलें अभी आप लोगों को वीडियो को थोड़ा सा बताता हूँ कि वीडियो किस तरह से बनाता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा मोबाइल फ़ोन से, तो वो जो शीशा लगा हुआ है उसका मकसद ये है कि ये मोबाइल फ़ोन नज़र आता है, तो इससे मेरी फ्रेमिंग सेट हो जाती है, मुझे पता चल जाता है कि कहाँ पर खड़े होना है, किस तरह से वीडियो बनानी है। ठीक है, तो ये स्टैंड के ऊपर मोबाइल लगा होता है मेरा। अब दूसरा काम जो मेन काम होता है ना वो ये होता है, अब देखिए आप लोगों को वहाँ पे भी मैं नज़र आ रहा हूँ और यहाँ पे भी नज़र आ रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, मैंने एक वायर ली हुई है, 2-3 वायर्स ली हुई हैं, एक्सटेंशन केबल 3 मीटर की एक्सटेंशन केबल ली हुई है, USB की एक्सटेंशन, इसको अटैच करता हूँ मैं मोबाइल के साथ और मोबाइल की USB लगा के एक दो सॉफ्टवेयर किया है मैंने, तो उस सॉफ्टवेयर के थ्रू क्या होता है कि मेरे मोबाइल की स्क्रीन जो है वो मिरर कर जाती है LCD के ऊपर, तो देखें वहाँ से मुझे नज़र आ रहा होता है कि मैं क्या लिख रहा हूँ। तो वहाँ से मैं लगाता हूँ जी रिकॉर्डर, यहाँ पे मैंने जो है वो एक अच्छे वाला रिकॉर्डर OBS रिकॉर्डर किया हुआ है, तो उसके थ्रू वहाँ पे मैं कंप्यूटर के ऊपर अपनी जो वीडियो है वो रिकॉर्ड करता हूँ। मोबाइल का काम जस्ट इतना होता है कि वो वीडियो जो है वो फेंकता है वहाँ पे LCD के ऊपर, यानी कि मिरर कर देता है, ठीक है, और मेरी वीडियो जो है वो वहाँ पर रिकॉर्ड हो रही होती है। उसके लिए मैंने आज ही एक माइक मंगवाया, ठीक है, एक तो ये माइक खुद से बनाया है क्योंकि वो मैंने हेडफोन वैसे यूज़ कर रहा होता हूँ ये, तो इसकी ये गले में डाले होते हैं तो ये अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए मैंने ये वाला बनाया है खुद से। वैसे ये आ जाएगा मेरा दूसरा हेड गियर भी, तो तब तक ये काम करेगा, बहुत अच्छा काम करेगा। और इसके साथ ही मैंने एक एक्सटेंशन केबल भी मंगवाई हुई है, ये वाली एक्सटेंशन केबल है, ठीक है, जो लगती है, और क्योंकि इस बोर्ड और कंप्यूटर के दरमियान फासला काफ़ी ज़्यादा है ना, तो वहाँ से यहाँ तक माइक जो है वो काफ़ी लंबा चाहिए, उसकी केबल काफ़ी लंबी चाहिए, तो उसके लिए मैंने एक्सटेंशन केबल भी मंगवाई हुई है, तो ये काम होता है जी। इस तरह से मेरी जो लेक्चर्स की वीडियोज़ रिकॉर्ड हो रही होती हैं तो इस तरह से हो रही होती हैं, और OBS के थ्रू जितनी भी टेक्स्ट वगैरह ये वो मैं लिख देता हूँ, तो उससे ये होता है कि मुझे एडिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और सारी वीडियो जो है वो मेरी यहाँ से रिकॉर्ड हो जाती है। ठीक है, एक ये मेथड होता है, और दूसरा नंबर इसके ऊपर जो है मोबाइल रख के इसके नीचे पेज रख के जो है मैं वीडियोस रिकॉर्ड करता होता हूँ, और तीसरा अगर मैंने कोई फेस कैम वीडियो बनानी है तो इसके ऊपर बनाता हूँ, ठीक है, इसको बैकग्राउंड में रख के ताकि इसमें अपना बैकग्राउंड जो है वो चेंज। ये छोटा सा यार रूम मैंने अपना सेटअप किया हुआ है काफ़ी, ये देख सकते हैं आप, ये वैसे जितनी भी डिज़ाइनिंग की हुई है ना पीछे दीवार पर, ये सारा काम मैंने खुद से ही किया हुआ है। ये दीवार पर जो ग्रेस वॉल लगाई हुई है ये भी सारी खुद से लगाई हुई है, डिज़ाइन वगैरह इसकी कलरिंग जो है वो की हुई है, ठीक है, और ये यहाँ पे बेड भी रखा हुआ है, यहाँ पे ही मुकम्मल जो है वो रेस्ट भी यहीं पे होती है। ठीक है, तो ये छोटा सा रूम जो है मैंने सेट किया हुआ है, तो आप लोगों ने आप अपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये आप लोगों को मेरा ये जो छोटा सा सेटअप है कैसा लगा है, और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है व्लॉग्स की, और ऐसा ही व्लॉग मुझे बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए इसका भी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। या वैसे यार आज फ्री था तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूँ, और ताकि आप लोगों के लिए मोटिवेशन सी होगी ना, क्योंकि ये जितना भी काम है ना, ये जितनी भी चीज़ें मैंने ली हुई हैं, ये जितना भी मैंने सेटअप किया हुआ है, तो आप लोगों को सही बात बता रहा हूँ, ये सब कुछ मैंने यूट्यूब से अर्न करके जो है ना ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ली हुई हैं। ठीक है, और 2018
2018 से मैंने YouTube स्टार्ट की हुई है, एक साल के बाद मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था, तो उसके बाद से ही सारा ये काम शुरू हुआ है। यानी कि फर्स्ट पेमेंट जब मेरे पास आई थी ना, तो सबसे पहले ये मैंने LCD ली थी, LCD के बाद ये कंप्यूटर थोड़ा सा सेट करवाया था, और उसके बाद कंडेंसर माइक लिया, फिर प्ले स्टेशन लिया, फिर रूम को आहिस्ता आहिस्ता सेट किया। यानी कि आहिस्ता आहिस्ता स्टेप वाइज 2 सालों में ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें मैंने ली हैं। तो आप लोग भी जो है वो ये चैनल स्टार्ट कर सकते हैं, जो भी लोग टीचिंग का कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया था मैं कुछ लोगों की, काफ़ी लोगों की हेल्प भी कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों की भी ज़रूर सपोर्ट करूँगा। आप लोग भी अपना चैनल बनाओ और काम करो यार, काम करो, इंशाल्लाह बेहतर होगा। और जिन लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक आप लोगों ने करना है और वीडियो को शेयर करना है, ठीक है, और अच्छे से कमेंट्स कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट भी ऐसी वीडियोज़ बनाता रहूँगा। अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, और अपने वालदैन का ख्याल रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।